हो लग रहा है कहा बने ठाकुर तो कुशल मंगल है ना बने ठाकुर। अरे किसकी मजाल है जो हम लोगों की तरफ नजर उठा के देखे, जो हम लोगों की तरफ अगर नजर उठा के देखा तो कसम बंदूक की वो जान से जाएगा। कहा बने ठाकुर दबदबा इसलिए तुम्हें ढूंढ रहे क्यों नहीं, और फिर किसी की औकात नहीं जो हम लोगों को देख करके नजर मिला सके। सच कहते हैं लागराज क्या नहीं बने ठाकुर, लेकिन लागराज ये बता क्या है, हम लोगों ने जो उस चुच्चे निर्मल्य के साथ ऐसे राम किए थे और तब से मुझे नजर नहीं आई है तो मैं कहीं दुखी हो क्या लागराज। कहीं आप उसी निर्मलिया की बात तो नहीं करते जो बच्चों को शिक्षा बांटती थी, हम उसी निर्मलिया की बात करते हैं जिसमें साथ हम लोगों ने लपचिक लपचिक किया था। भले ठाकुर वो तो सतुली कब के मर गई, सबसे हम लोगों ने उसके साथ काम तमाम किया है, आज तक वो ससुरी हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ी थी इसका मतलब मर गई। वो नागराज निर्मलिया मर गई, हाँ उसका तो राम नाम सत्य हो गया पड़े। अगर हमारी नहीं मानते तो मन्नी ललवा और दिमागी ललवा से पूछ लो। अरे मन्नी भाई, अरे मालिक छोटे ठाकुर कह रहे हैं निर्मला मर गई होगी, हम तो कहते हैं कि अगर कहीं निर्मला जिंदा न हो गांव गांव घूम करके आप लोगों का नाम बदनाम न करती हो, हमें तो समझ में आ रहा है। बोला है दोबारा नहीं बोलना, नहीं कसम बंदूक की जान से जाएगा। हम लोगों का नाम बदनाम करेंगे। भले ठाकुर इसको नहीं है मालूम कि हम लोग जो कार्य करते हैं साबुन को नहीं छोड़ते। लाग रहा है वैसे मणिलाल बिल्कुल ठीक कहता है, हम लोग जिस के साथ ऐसे रात किए उन सबको इस तरह से बिता दिया है, लेकिन निर्मलिया को हम दोनों ने छोड़ दिया है। अब तुम कहते हो और निर्मलिया मर गई है तो उसका मर जाना ही बेहतर है। अरे जिसके साथ हम लोगों ने ऐसा आराम किया वो ससुरी वाला गांव में करके अपना को दिखाएगी। अरे ठाकुर ये तीन बार तो हरा चुका है, अब चौबारा ये नागराज इसकी बातें नहीं सुनेगा गोली ही मारेगा। नागराज तो मर गई है, अखिल कहा जाएगी और किसको अपना काला चेहरा दिखाएगी, उसका तो मर जाना ही बेहतर है। नागराज कहा बने आज उस निर्मल के मरने के विषय में आज हम इस सहेली में जश्न बनाएंगे, नाचेंगे झूमेंगे और गाएंगे भी। यानी आपके कहने का मतलब कि थोड़ी थोड़ी लगाएंगे और मूड बनाएंगे। तो समझदार हो लग रहा। अरे आपने तो हमारे मुंह की बात ही छीन लिया है बने ठाकुर, थोड़ी थोड़ी लगाएंगे और मूड बनाएंगे। बुल्लू तो सारे झुंड बनाएंगे, खच्चर कहता मूड मूड इसे मूड जिसे कहते हैं। अबे तू नहीं जानता कि निर्मलिया के मरने में धुंध नहीं पहले सुन, निर्मलिया के मरने की खुशी में बड़े ठाकुर साहब छोटे ठाकुर साहब आज मूल बनी है मूल संधाओ संधाओ बड़े ठाकुर क्या फटे था। आज इस निर्मलिया के मरने के खुशी में दो बात की हम भी लेकर के आए ना ठाकुर साहब का कहना है निर्मलिया के मरने की खुशी में आप भी बाल्टी रंग लेकर आओ। क्या रंग रहे तो सारे ड्रम में डाल रहे हैं क्या, होली खेल ले आए हो तारे आपने तो कह रहे कि निर्मलिया के मरने की खुशी में भी बाल्टी रंग लेकर आओ। रंग लय में रम 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 सलाम है सारे लाग रहे पहले फिर बहरे हो गए हैं। क्या थोड़ा जोर से बोलो ठाकुर साहब कान से का ठूस है
वो बहरा है दो बाती रम के लिए क्या रम रम ये कहना कहे हैं तो बहुत ही है तेरा बाबू तू बताए है कि जैन से बाबू हम बात नहीं पता कि जब जानता नहीं तो फिर कहती जैसे जो बात क्यों चलाता है तू तो समझदार है क्या जो नंबर वही तो वही तो अंग्रेजी तुरंत लेकर इसी वक्त लाएगा बंदे नलवा ये हिलाना बंद कर और फटाफट दौड़े एक एक कोतल की सील दौड़े पेपर आए वही है वही मैं चावल ये एक बार की लाल कुछ नंबर नलवा अगर लंबा दौड़ की सीट पे ले जाता है बोतल नहीं कह सकता लंबा दारू की सीख तोड़ेगा एक काम बोतल है लंबा दारू एक आदमी लंबा दारू लगा सुबह होता है तो ठेके पर नजर आते हो वही तो वही तो कमर बाहर नहीं जानी चाहिए बाहर नहीं जानी चाहिए जाने सिर तुमने तोड़ा और मालूम हमें पड़ेगा बाहर का काम करना चालू कर दिया बड़ी मेहनत मरते कि हम सबको सी रहे हैं सी टूरा टूरा झुलाए के सहारा हो गए एक मारी से तला से निकल भारत भाई हमें तू नहीं दिखा पहले बदबू गंधा बदबू महकता है क्या बदबू गंधा आप जानो आपका काम अरे इतनी महंगी शराब कहता है बदबू गंधा सस्ती हो बाबू जब हमको इस्तेमाल नहीं करे तो हमका का पता दारू ले आए हैं दारू ले आए केके राज अच्छे काट के देगी ना हाँ भाई आज इन मतलब के मरने की खुशी में आज थोड़ी थोड़ी इन दोनों को भी लगवा देते हैं बात कौन बोले था कौन सी बात अगर हमारी माने तो इन्हें पिलाओ मत नहीं तो बैठक रूम गंदा कर देंगे ससुर के नाती नहीं बाबू हम पीवे नहीं घर पर कहे लिए मान लो आपको हम पर पिला नहीं हूँ और जो मान लो पिए के बाद कहेंगे ना नशे को सारे मुझ नशा कहते हरे नशा हाँ वह नशा माने में पहला नशा तो हम कहते माने को छोटे मानी का उन्होंने कहा है आपस का मुझे तो कहूँ बनी माता नहीं निकल गया तो हम लोगों को गाली देगा जय खुला खुला गजराज पिलाने जाता है तो पैदल भी जाता है एकदम फिट टैबलेट रखी है एक ही खुराक में नशा हिरन हो जाए तो ठीक है
जब टेबलेट रखे हो बाबू तो हमारे जैसे नशा चाहे ऐसे हम पर एक खुराक देती हो वो मैं दे दूंगा। हाँ नहीं नशे में आए माए साल में कह जाएगी लेकिन हिम्मत नहीं बने बाबू हिम्मत कर कहिए कि जो नवरात जो नवरात आई है वही नवरात से हम भगत खाई थे बाबू क्या ना बीमार किया लगा अरे भगत हुआ जाता है कि भगत खाया जाता है रे हाँ हाँ वह है बाबू भगत हम कहते बिना नहाए धोए खाए थे तो उसके को फरहारी भी खाए थे और कुछ नहीं खाए थे ओ फरहारी भगत रहता है क्या कहता है रे फल में जैसे सीताफल कद्दू कुम्हारा सीताफल कद्दू कुम्हारा क्या ये कुल मिलाकर एक ही फल होता है और ये कहीं कैसे हुआ बाबू अरे चीता फल कद्दू कुमला क्या हुआ ये कहीं कैसे हुआ जो फरवरी के महीने में आता है काला वाला लंबा वाला उसको कहते हैं चीता फल जो मार्च अप्रैल में आता है छोटा वाला गोल वाला उसे कहते हैं कद्दू जो स्वाद रात्रि में होता है छप्पर पे बना पे बड़ा वाला उसे कहते हैं कुम्हारा इसका मतलब तू सीजन वाइज फल खाता है सीजन वाइज फल खाते हैं जब ये तीनों फल नहीं मिलते हैं तो मंगवा लेते हैं पंछी फल पंछी फल पहले खाते ये पंछी फल क्या है नागराज ये कौन सा फल होता है अरे इसे दिमाग के ललवा से पूछो यही बताएगा क्या दिमाग के ललवा बाबू ये पंछी फल कौन सा फल है पंछी फल नहीं कर तू कहा अरे क्या है पंछी फल क्या चले जाओ ठेका के बगल में ठेलिया पर लगाए रहती सफेद सफेद अंडा अंडा ठाकुर अंडा को पंछी फल बोलता है तो वही तो बाबू मैंने तो कहा थी जो चीज हरे का जोता बोआ ना हुए वो तो फरहारी कहा थी और अंडा कहाँ हरे से जोता बोआ ना बल्कि में अंडा खाएगा तो अंधा हो जाएगा तो चलेगा तो हम अंडा ना खाते जब तू बल्क में अंडा खा सकता है तो इसे ठंडा समझ कर लगा ले मजा आ जाएगा हिम्मत कर क्या हिम्मत कर चरवीन गिनती करा तो ना ही नहीं पिलवाओ पिलवाओ तू पिलाओ नहीं ये पुलवाल क्या होता है चलिए पहले ठाकुर ये तो ज्यादा हाथ पैर धोना चालू कर दिया इतनी महंगी शराब हमने पुलिस के लिए बुलाया है और तुझसे हाथ धोने बैठा है हाथ नहीं धोगा बाबू हम कहा लाओ थोड़ा सा अनमोल कर बोले बैठा है पता कहीं का अरे तना है बाकर लो अच्छी बात का है भाई ऐसे तो तू सारी सड़क सिर्फ हाथ धोने में ही खराब कर देगा अब हम तुझे डाले छुपी लाएंगे डाले तो कौन सा पीए होगा जब तू घर और अपना मुंह खोल हम बैंक तेरे मुंह में डालेंगे यानी हम बैठी अपना बौनट उतर करें बौनट कहाँ पर आने वाला है बिलासपुरी अन्नी है बिलासपुरी है दिशा मैदान तक नहीं जाता है उसके लिए सारे गंध आ रहा है चल तुम बैठ बौनट बोलता है चल अपना बौनट खोल अब पहले बौनट में डालेंगे अरे खोलेगा तभी तो डालूगा और कैसे डालूगा अरे खोलेगा तभी तो अंदर जाएगी बतीसी दिखा रहा है खाकर ये चबाएगा क्या किसी को अरे बतीसी मत दिखा दी मैं खुलेगा खोल बाउंड खोल
इतने में काम करने वाला नहीं है, बोला फूल बजट फूल तभी मैं जाऊंगा। चल कोई पूरा फैलाएंगे, आप डालना वो तो डालू भाई। एक शर्त मेरी भी है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि हम फैलाएंगे, आप डालना शुरू कर देना वो तो डालू भाई। लेकिन जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम हाथ हिलाएंगे, आप डालना बंद कर देना। जब मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो हाथ हिलाना, मैं डालना बंद कर दूंगा। अरे तुझे नशा कराना है, तेरी चैन नहीं लेना है। चल कोई और कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। ज्यादा नहीं पिलाना, ज्यादा नहीं पिलाना पड़े सब। पीने में कसर भी नहीं लगता। देखा ना है इसने गारंटी मत दिलाई। यह बैठक रूम में गंदगी फैला रहा है, ऐसा कोई कोई करता है। अरे तो तुझे पहले बता देना चाहिए था, बैठ बता और डालो और डालो। अब कोई बंद बैठ गया है, कोई बैठक रूम में गंदगी नहीं फैलेगा। वैसे मजा तो आ गया होगा। लग है कहां है? ऐसा करो और सिर्फ मनीलाल को भी बुलाओ। मंडे नलवा को हाथ मिलाना ही पड़ेगा, लेकिन मंडे नलवा को बैठक रूम में पलटी नहीं करना। वही तो, वही तो देखने में छोटा और काम छोटा है। तो गिलास लेकर साथ आया है, वैसे काफी होशियार और चालाक भी है। कोई बात नहीं, ये वो यार ज्यादा मत देना इसे, इसके हर फेक को देना। वही तो वो शराब नहीं, इतनी पीने में उल्ट पलट जाएगा ससुर के। अरे ये तो पहले पूरी ही पी जाए। ओ उनके तो तेवर ही बदल गए। पहले ठाकुर ये किस तरह मुंह बना रहा है। ओ चाय भी बदल गई है, थोड़ा नमकीन को रंगीन बोलने लगा है। अरे नमकीन का थे उसे ऐसा हनुमान चालीसा चालू कर दिया था। अरे छपट छपट चालू कर दिया है क्या है? इसे अंडे का जूस चाहिए। वही तो। अरे अंडे काम लेट होता है, बजा गया है क्या? अंडे का जूस न है तो हम संडे का काम लेट काम है। इसको तो लगता है कुछ ज्यादा ही चल गई। वही तो, तभी तो ये उल्टा पोल लाए बने ठाकुर। अरे भाई सर बकी लगाए। ये तो अपने तबे से बात करना चालू कर दिया। बोले ज्यादा चल गई है। तुम लोगों को बैठवा बोलने लगा है। एक बात कहो बने था, अरे हम लोग भी लगाते हैं। वही तो, वही तो हम बोलो से बातें करते हैं। वही तो कहते हैं।
कितने काम है। लाज रहा है ये तो भूख लगा लेने के बाद और उसके बाद अपनी औकात को भूल गए, हवेली के दाम लगाने लगे। ये तो ससुर का नक्सली चौधरी चरण सिंह बन गया बड़े ठाकुर। इतना पी लिया कि साथी पे मुसलसी बोलता है। उसका कैसे दम लगाना है। वैसे एक बात कहूं बड़े ठाकुर। क्या है? हाँ हम तुम्हारे नौकर के पीछे खड़ा किए, चल खड़ा हो जाए। मर जाओगे सर। एक बात कहूं बड़े ठाकुर। तो इसी बात इसलिए तो दिमागी लगावा और मुंडी लगावा गिर गए। लाज रहा है कहो भाई। देखो चौबीस साहब आए हुए वही तो एक ही पैक लगाने में साली ऊपर से नीचे तक छोड़ती जाती है छोड़ती। लाज रहा है जरा शब्द देखो। वैसे एक बात कहो भाई ठाकुर। कौन सी बात? अब हम लोगों ने पियाया है तो फिर सहना भी पड़ेगा। आपने ज्यादा पिला दिया है इस तरह। वही तो सारा गिलास लेकर आया पैक पे पैक मार रहा। गोबर में हाथ गोबर दिखा रहा है। अरे धुआं बाहर रही होगी बे। ये कौन से बिजनेस करेंगे? मतलब यहाँ पे सारे बगैर सोती हुई है पंची लेके चल मेहरुआ के बाल काट के गुब्बारा खरीद के देखा। कोई इतने जूते मारेगा कि तेरे सर के बाल भी नहीं रहेंगे। नहीं बे सवेरे दिन सराहा चल रोड के किनारे बैठा जा मेहरबा सत्ती तो लुटिया लेके भागव ऐसा अच्छा बिजनेस चालू करेंगे। वही तो और कोई इतने सोटा माले में सारे को कुलियन में नजर आएंगे। एक बात कहो बड़े ठाकुर। वो कहीं सुबह आप भी लंबा जो मेरा बात और ये नागराज भी लंबा जो मेरा बात ना भी कम है ना ये नागराज भी किसी से कम है। एक बात कहो नागराज कैसी बात कहना चाहते हैं कि हमें हमें है हो ना तो काम हो ना हम काम है। अयारी की हयारी निधारी सब बताओ। अयारी की हयारी निधारी अकेले पीले I'm
पंजाब में अर्थी नहीं निकाली जाती, तो ये जश्न कौन मना रहा है? वही तो मैं भी अलग में पड़ गया बोले ठाकुर कि हम लोगों के मर्जी के मुताबिक पत्ता नहीं हिलता, और ये गोली बारूद की आवाज कहां से आ गई? वही तो जानना चाहता हूँ ना। अरे कौन उसे थे भाई ठाकुर मना रहा है? हेलो, ये देखो हमारे भैया मेवालाल, मेवालाल दस रुपए का कलम पंच शिखर लाल रहते हैं हमारे लिए, लेकिन कहते गए हैं घर मालिक भी जहां पर भी हो अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है तो मेवालाल जी का कहना है जो सामने की राय बुझी इसको जलाने के लिए कष्ट करे, और आम के पास एक हाइड्रोजन लगवाने के लिए कष्ट करे, जो पीछे लोग बैठे को दिखाई देने में कष्ट होता है। धन्यवाद। घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम नहीं कि कल दीपावली है और उसी के खुशी में श्यामपुर सिंगलपुर सिंहपुर के बच्चे पटाखे लगा रहे हैं। क्या याद है? हाँ बोले दीपावली। जी हाँ, आज दीपावली का त्योहार है। हाँ दीपावली का त्योहार है, उसी के खुशी में बच्चे पटाखे लगा रहे हैं। क्या हो ना जी? क्या बात है? क्या तुम भूल गए क्या हो? क्या है दीपावली में ऐसा? तो गजराज चोरी में होता क्या है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं बड़े ठाकुर? जो कुछ कहना है खुले शब्दों में बता दीजिए। गजराज आज दीपावली का सुहाना है की आज दीपावली का सुबह तो ही पहुंचा यानी आपके कहने का मतलब कि हर दीपावली को आपके यहाँ हवेली में एक लड़की आती है? लाज ये हमारे पुरखों की परंपरा है। तो इसलिए छाली में एक लड़की आती है और चाहे जिस जात ब्रदर की हो, जब तक लड़की नहीं आती तब तक गजराज चल में दीपावली नहीं लग जाती है। ठाकुर अगर ये पुरखों की परंपरा है तो ये नागराज जरूर लाएगा।